स्टार्ट फोर्थ एक्सरसाइज ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ टेंथ क्लास. सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन. प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड. और इस एक्सरसाइज में हम दोनों करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू. देखिए यहाँ हमारे पास गिवन है फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव. ये फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू फोर. ये क्या है आपकी सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट हम इसको करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यहाँ पे लिखिएगा. देन हम इसमें क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और अनदर में पुट कर देंगे. यहां से निकालिए x की वैल्यू 5 माइनस वाई. यहां से हमने क्या किया, y उधर जाएगा, 5 y विल बी नेगेटिव एंड यूजिंग इन 2. अब इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं 2. x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस वाई, माइनस में 3y इज इक्वल टू 4. 2 5 जा 10, माइनस में 2y, माइनस में 3y इज इक्वल टू 4. 2y नेगेटिव 2y एंड माइनस 3y विल बी माइनस 5y. 4 10 विल बी नेगेटिव, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6. बोथ साइड से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6/5. जो हमारी y की वैल्यू है क्या आ गई, 6/5. अगेन इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, x की वैल्यू में, यूजिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y हेयर. x इज इक्वल टू 5 माइनस में y की वैल्यू क्या है आपकी, 6/5. टेक इट एलसीएम, दैट इज 5, 1 5 जा 5, 5 जा 25, माइनस में 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, दैट इज 19/5. ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, x की. तो ये हमने इस सम को किससे किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से. आपको रिपीट हो गया होगा पीछे जो हमने इसी मेथड से किए थे. अब हम इसी सम को करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना. ठीक है, एलिमिनेट मतलब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट की थी या पुट की थी. इसमें हम एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे. लेट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. वही सम है, उसको दूसरे मेथड से कर रहे हैं. आपको इक्वेशन फर्स्ट एंड ये नेक्स्ट क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है, 4. दैट इज इक्वेशन सेकंड. इसमें हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करेंगे, या तो x को सेम कर लीजिए या y को. हम देखो यहाँ पे हम करते हैं x को सेम करते हैं. इक्वेशन अगर फर्स्ट की मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पे भी 2x और वहां पे भी क्या हो जाएगा, 2x. आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 2. इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट. ठीक है, इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये बनेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, 10. दैट्स बिकेम थर्ड एक्सरसाइज. जो हमारी फर्स्ट थी वो क्या बन गई है, इक्वेशन, सॉरी. नेक्स्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, जो हमारी सेकंड थी. हमने इसको यहाँ पे राइट किया. अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जो हमारे सेम साइन के हैं वो क्या हो जाते हैं, कट करने हैं हमें, इसको एलिमिनेट करना है. तो अगर ये सेम साइन के हैं, आप लिखोगे बाय सब्ट्रैक्ट. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. हेयर दैट इज पॉजिटिव, इट विल नेगेटिव. 2x 2x कैंसिल, एलिमिनेट हो जाएगा. 3y पॉजिटिव है और 2y क्या हो गया, 5y. और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6. y की वैल्यू क्या आ गई है, 6/5. अब जो y की वैल्यू आ गई है, किसी भी इक्वेशन में जाके पुट कर दीजिए. जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो इजी थी, हम वहां पे करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम, सॉरी वाई की है ये वैल्यू, हम पुट करते हैं 6/5 इज इक्वल टू 5. एक्स इज इक्वल टू 5 के पास 6/5 आएगा, विल बी नेगेटिव. टेक इट एलसीएम, दैट इज 5, 1 5 जा 5, 5 जा 25, माइनस में 6, 19/5. तो जो हमारी x की वैल्यू है ये आ गई है, y क्या आ गई है. दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा,
फर्स्ट क्वेश्चन के चार पार्ट हैं, चारों पार्ट को एक बार आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे और एक बार एलिमिनेशन मेथड से, मतलब 8 सम हो जाएंगे आपके। एक बार चारों सम को उस मेथड से करोगे, एक बार उस मेथड से। मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट और करवा देती हूँ। देखिए इसमें क्या है, एक्स बाय टू प्लस में 2y/3 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज x-y/3 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे। हमने पीछे किया है, टेक इट एलसीएम, दैट इज टू एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, 2 3 जा 3x, 3 2 जा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू माइनस 1, 3x प्लस में 4y, 6 हमारा राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया 6, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हियर, यहाँ पे डिनो में आप 1 लोगे, टेक इट एलसीएम, 1 एंड 3 दैट इज 3 1 3 जा 3x माइनस में 3 1 जा y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब यहां से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करेंगे, मर्जी आपकी है, आपकी चॉइस है जहां से निकाले। मैं यहां से y की निकालती हूँ क्योंकि यहाँ पे x वगैरह के साथ 3 पड़ा है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए उस 3 को अपॉन में लेके जाना पड़ेगा। y यहाँ पे अकेला है, इसकी वैल्यू यहाँ पे इजी है, तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। 3x के पास आप y को लाओगे कैसा हो जाएगा, विल बी नेगेटिव, 3x के पास 9 हो जाएगा नेगेटिव, और y लेफ्ट हैंड पे आएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां से इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालना इजी था, तो मैंने यहां से निकाली, आपकी चॉइस आप कहीं से निकालिए। जो सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू हमने फाइंड किया, पुट इट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मैं बहुत बार इंग्लिश की वर्डिंग लिखती नहीं हूँ, जस्ट बोलती हूँ आपको साथ में राइट करनी है। यहाँ पे 3x प्लस में 4, y की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 6। हेयर इन फर्स्ट इक्वेशन 3x सेम एज प्लस 4 एंड y की वैल्यू क्या है, 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6, मल्टीप्लाई कीजिए 3x, 4 3 जा 12x माइनस में 9 4 जा 36 इज इक्वल टू माइनस 6, 12 एंड 3x इज 15x, 36 विल बी पॉजिटिव हेयर एंड 30 हेयर इज 15x, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 अपॉन में 50 क्या आ जाएगा, 2। नाउ हेयर x की वैल्यू हम पुट करेंगे 3x माइनस 9 में, 3x इज 2 माइनस 9 इज इक्वल टू y, 3 2 जा 6 माइनस 9 इज इक्वल टू y, हेयर इज y इज इक्वल टू माइनस 3। इस सम को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, सेम सम को मैं एलिमिनेशन मेथड से करूंगी। यहां तक ये सेम रहेगा जहां पे हमने इक्वेशन का एलसीएम लेके इक्वेशन को सोल्व किया है, जस्ट इन्हीं इक्वेशन को आगे उठा लीजिए। सिमिलर सम जो हमने अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, मैं उसको बाय एलिमिनेशन मेथड से बता रही हूं, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ये दो इक्वेशन थी हमारे पास। देखिए हमें किसी एक वेरिएबल को सेम करना होता है, यहाँ पे 3x ऑलरेडी दोनों के सेम है तो हमें मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। सेकंड इक्वेशन को इसके अपॉन में लेके आइए, ये है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, दैट इज सेकंड इक्वेशन। ऑलरेडी हमारे पास 3x क्या है, सेम है। अगर ये साइन सेम होते हैं तो हम लिखते हैं बाय सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करेंगे, आपको पता है कैंसिल तभी होंगे जब साइन चेंज होंगे, बाय सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, ये पॉजिटिव है अपॉन में नेगेटिव, इसके नीचे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस विल बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल बी नेगेटिव। हेयर 3x विल बी कैंसिल आउट, 4y एंड y दैट इज 5y, 9 एंड 6 माइनस 15, y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन में 5, 5 3 जा माइनस के 3, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, नेगेटिव 3। डिपेंड है आप y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में पुट कीजिए, मुझे वो इक्वेशन इजी लगती है, मैं इसलिए उसमें पुट करूंगी क्योंकि y के साथ कोई मल्टीपल नहीं है। 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, 3x y की, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, 3x माइनस y की वैल्यू क्या है, देखिए ये माइनस हमारा इक्वेशन का है और y की वैल्यू
ऑलरेडी कैसी है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे दो माइनस हो जाएंगे, 3x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9, इनके पास 3 जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली यही आंसर हमने प्रीवियस मेथड से निकाला था, y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2, जो हमारी 3.4 एक्सरसाइज है। इसमें चार सम है, फर्स्ट एंड फोर्थ मैंने आपके लिए कर दिया, चारों सम आप अपने आप ट्राई कर लेना।